एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टी बिट्स कॉफी। मैं हूँ प्रियंका, ये है युवान। तो आज चलिए बनाते हैं हम गुजिया, खोया स्टफिंग वाली गुजिया और चाशनी वाली भी। नॉर्थ इंडिया में चाशनी वाली गुजिया बनती है, बिहार में तो मैंने यही चाशनी वाली गुजिया देखा है। बिहार में तो सूखा सूखा बस स्टफिंग, और यहाँ होली पे खास करके बनाया जाता है। तो आज हम वही बनाएंगे गुजिया, टेस्टी टेस्टी गुजिया। तो आप भी चलिए और देखिए, और प्लीज बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, और प्लीज सब्सक्राइब तो कर दो यार। तो युवान एंड युवान की मम्मा इतनी मेहनत करते हैं हाँ रेसिपी बनाने के लिए। तो एक लाइक, हाँ एक एक एक, बस एक लाइक तो बनता है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी गुजिया। चलिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है हाफ कप चीनी, और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम पानी, और गैस के फ्लेम को हम इस टाइम पे मीडियम पे रखेंगे, और इसे थोड़ी थोड़ी देर पे हम चलाते रहेंगे इसी तरह से, ताकि चीनी जो है वो नीचे से चिपके ना, जले नहीं। और साथ ही में एक पिंच ये केसर मैं डाल रही हूँ, सैफरन, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चाशनी में। और चाशनी को हम बॉयल होने देंगे मीडियम फ्लेम पे ही। ये चाशनी हमारा बॉयल होने लग गया, अब इसे 2-3 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इसी तरह से पकाएंगे। इससे हुआ क्या, चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। एक या दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा गाढ़ा होने देना है और बस हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। ये देख लो आप, चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, येलोइश जैसा कलर हो गया है इसका, और ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये थोड़ा चिपचिपा भी है, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और चाशनी बिल्कुल रेडी है, अब हम गैस के फ्लेम कर देंगे ऑफ, और चलिए स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल रही हूँ मैं, ये आधा चम्मच है। इसमें मैं खोया को भूनने वाली हूँ, खोया की स्टफिंग हम बनाएंगे, वही हम अपनी गुजिया में डालने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा घी में लो फ्लेम पे खोया हम डाल देंगे। ये 200 ग्राम के करीब खोया है, मैंने 1 kg फुल क्रीम दूध से मैंने इसे बनाया है, घर पर ही मैंने ये खोया बनाया है, आप मार्केट के भी यूज कर सकते हो। और ये फ्रिज का था तो थोड़ा हार्ड हो गया है, और ये थोड़ा 2-3 मिनट हम इसे अच्छे से भूनेंगे इसी तरह से चला चला कर। भूनने से खोया का टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए बस इतना तक हमें इसे भूनना है। और ये खोया हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है, ये देख सकते हो कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा है। ये देखो खोया बहुत अच्छे से भून लिया हमने खोए को, और इस टाइम पे गैस के फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ, और इसे बहुत अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। और इसके बाद हम गुजिया के लिए आटा लगाएंगे। इधर दिल्ली साइड, गुड़गांव साइड हम इसे गुजिया बोलते हैं, बिहार में हम इसे पिड़किया बोलते हैं। सो मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, गुजिया जो है मैदे की ही अच्छी लगती है, और यहाँ पे मैंने 1/2 kg के करीब मैदा है। इसमें मैं डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून है ये घी। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी आप तेल भी डाल सकते हो, बट घी यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, ऊपर का लेयर जो बहुत खस्ता होता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। तो घी को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और ये देख सकते हो घी बहुत अच्छे से हमने मैदे में मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे, मतलब एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। और ये हमारा मैदा ऑलमोस्ट गूंद चुका है, इसी तरह से हमें गूंदना है, और इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर डाल देंगे, मतलब कम से कम 1/2 घंटा के लिए इसे ढक कर रख देंगे, फिर हमारा मैदा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और तब तक आइए देखते हैं, खोया भी हमारा ठंडा हो चुका होगा, और खोया का मिक्स बनाते हैं हम, जो हम गुजिया के अंदर स्टफ़ करने वाले हैं, मतलब भरने वाले हैं। ये खोया बिल्कुल ठंडा हो चुका है,
अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये नारियल, ये सूखा नारियल है कद्दूकस किया हुआ। मैं थोड़ा ज़्यादा ही नारियल यूज कर रही हूँ, आप थोड़ा कम भी कर सकते हो। मुझे खोया एंड नारियल का मिक्स मतलब मिक्सचर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही नारियल डाला है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये है काजू, बादाम एंड किशमिश। तो काजू एंड आमंड को मैंने कट कर लिया है, मतलब बारीक कट कर लिया है। और थोड़ा सा इलायची, ये 3-4 इलायची को मैंने अच्छे से कूट लिया था, मतलब क्रश करके मैं इसे डाल देना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी को मैं पीस कर यूज कर रही हूँ, मैं यही बोलूँगी कि आप भी पीसी हुई चीनी ही डालें, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो चीनी एक थोड़ा कुड़कुड़ सा लगता है खाने में जब आप खा रहे होंगे। तो ये 3 टेबल स्पून मैंने चीनी दिया है। मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कितना मीठा पसंद करते हो। जब अच्छे से मिक्सचर हमारा मिक्स हो जाए तो उस टाइम पे आप चेक कर सकते हो कि हमारा अच्छे से मीठा हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखो, हाथों से इसे अच्छे तरह से हम कर लेंगे मिक्स और हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, एक टेस्टी सा खोया का स्टफिंग। और चलिए हम गुजिया के आटे बेलने की तैयारी करते हैं। आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है और हम एक लोई लेंगे, पूरी के साइज का लोई, जैसे हम पूरी बनाते हैं ना उसी साइज के। तो और हम इसे बेल लेंगे, बिना आटा लगाए बेलना है। अगर आपकी लोई चिपक रही हो बेलन में या रोलिंग बोर्ड में, तो आप थोड़ा सा घी या तेल लगा सकते हो अपने चकले पे या रोलिंग बोर्ड पे, और फिर आप इसे बेल सकते हो। ये देख सकते हो, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको परफेक्ट राउंड चाहिए तो आप इसे किसी चीज़ से कट भी कर सकते हो, कटर या किसी कटोरी से या ग्लास से, जो भी हो। और इस पे मैं 1 1/2 छोटा चम्मच खोया ऐड कर रही हूँ। इतना ही डालना है कि हमारा बाहर से ना निकले, तो अच्छे से स्टफ़ भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पानी, थोड़ा थोड़ा पानी हमें लगाना है चारों तरफ से, ताकि हम चिपकाए तो हमारा गुजिया जो है एक दूसरे में आटा अच्छे से चिपक जाए और अच्छे से बंद हो जाए ये। तो इस तरह से हमें इसे हर तरफ से चिपका देना है। स्टफिंग को अंदर रखते हुए ध्यान रहे कि हमारा जो हमने भरा भरा है मिक्सचर को, वो बाहर ना निकले। और इसी तरह से उंगलियों को दबा दबा कर हम इसे चिपका लेंगे, बहुत अच्छे तरह से लॉक कर देना है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि स्टफिंग जो है बाहर निकलने लग जाती है। और अब इस तरह से हम इसे पिंच करेंगे और अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर वहीं पे पिंच करेंगे। फिर अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें इसी तरह से पिंच करना है और ये ऐसा डिजाइन बनता जाएगा। इसी तरह से हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे और पिंच करेंगे, दबाना है बस जोर से, बहुत जोर से ना दबाना है, नहीं तो ये फट जाएगी। और इसी तरह से दबाते जाएंगे हम। और अगर आप वैसे इसके सांचे भी आते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हो, बट ये डिजाइन ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो आप इसी तरह से अपनी गुजिया को दे दो, कितने अच्छे से ये बन गई है, इसी तरह से आप बना सकते हो। बहुत ईजी भी है, मैं एक और दिखा रही हूँ आपको। देखो, पिंच करके थोड़ा सा पतला करना है, फिर अंदर की तरफ हम इसे चिपका लेंगे इसी तरह से। इसी तरह से सारी गुजिया को आप डिजाइन बना लें आप। स्टफिंग जो होता है, मैंने खोया का बनाया स्टफिंग, बहुत तरह के होता है। मैं सूजी के का भी बनाती हूँ एंड बेसन खोया मिक्स या खाली बेसन का, तो बहुत तरह का स्टफिंग होता है। आज मैं खोया का ही बना रही हूँ। और अब हम इसे तलेंगे और गुजिया को बनाकर हमें इसे एक कपड़े के बीच हम रख देंगे ताकि ये सूखे ना। एक साफ कपड़ा लेकर उसके बीच हम इसे रखते जाएंगे ताकि ऊपर से जो वो सूखे ना। और फिर हम चलिए इसे तलते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल लिया है, तेल को बहुत हल्का गर्म करना है, बहुत हल्का। ये देख रहे हो बबल्स धीरे धीरे आना स्टार्ट हो रहा है, बस ऐसा ही होना चाहिए। और ज़्यादा एक बार में बहुत ज़्यादा ना डालें, तेल
तेल कम गर्म रहता है तो होता क्या, कभी कभी अगर आपने नोटिस किया होगा भुजिया पे बबल्स आने लगते हैं, छोटे 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 बबल्स, वो नहीं आएगा और हार्ड भी रहता है ऊपर से गुजिया। कभी कभी होता है, मेरे साथ ये पहले होता था कभी कभी कि मैंने गुजिया बनाया फिर थोड़े देर बाद वो एकदम सॉफ्ट हो जाती थी, तो वो भी नहीं होगा। और तेल बिल्कुल कम गर्म रखना है और इसे हम लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। जब हम देखेंगे, ये देख रहे हो गुजिया फ्लोट करने लग गया, जब हमने डाला था तब वो डूबा हुआ था, बट अब गुजिया फ्लोट कर रहा है। और इसे इस टाइम पे हम बहुत हल्के हाथों से इसे पलट देंगे। और लो फ्लेम हमें लो ही रखना है, अगर तेज कर दोगे तो फिर वही ऊपर से तो ये कलर तो चेंज हो जाएगा और लगेगा कि पक चुका है, बट ये अंदर से ये कच्चा, मतलब कच्चा रहेगा एंड सॉफ्ट हो जाएगा जल्दी ही। और देखो गुजिया ने कलर चेंज कर दिया। इस टाइम पे हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर हम इसे अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा गोल्डन मतलब पिंकिश कलर होने तक अच्छे से हम इसे पकाएंगे। और इसी तरह से बीच बीच में उलट पलट कर हम पका लेंगे। और ये देखो गुजिया का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बस इस टाइम पे हम निकाल लेंगे इसे। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और इसी तरह से सारे गुजिया को बना लेंगे। और हाँ एक और बात, गैस को पहले ऑफ करना है फिर हमें गुजिया निकालना है, तो इससे होगा क्या, तेल जो है ठंडा हो जाएगा। जब भी आप डालो नेक्स्ट वेज तो तेल ठंडा करके ही डालो, तो इससे गुजिया बहुत अच्छा बनेगा। और उसके बाद ये चाशनी हम इस पे कोट कर देंगे। तो चाशनी मेरा ठंडा हो गया था तो मैंने इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है। ध्यान रखना है कि चाशनी थोड़ा गर्म ही होना चाहिए और गुजिया भी हल्का ही गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमने कढ़ाई से निकाला एंड चाशनी में डाल दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। गुजिया भी हल्का गर्म होना चाहिए, चाशनी भी हल्का गर्म होना चाहिए बस। और चाशनी हम इस पे कोट कर देंगे अच्छे से। और देखो बहुत अच्छा दिख रहा है गुजिया। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे ये आपको कैसी लगी। और अगर आप चाशनी नहीं चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, चाशनी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देख सकते हो ऊपर से कितनी क्रिस्पी है ये और अंदर से कितना बढ़िया दिख रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।